आर नॉट पॉलिटिकल पर्सन्स। ये बागेश्वर धाम क्या है, ये आपने इसको पार्टी बनाया है, क्या है इसका स्टेटस, क्या है? कुछ तो रिसर्च करके आते हैं आप, PIL करने आए हैं। धीरेंद्र शास्त्री, बागेश्वर धाम सरकार द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। आप बोले तो इस ऑर्डर को क्वेश्चन कर देते हैं। किसी भी ग्राम सभा में कोई भी आयोजन करने के लिए अनुमति लेना आवश्यक है। फॉर प्रमोटिंग द हिंदुइज्म एट द ट्राइबल एरियाज। जो मेरा बिलीफ सिस्टम है आपके भाषण से कैसे परिवर्तित हो जाए? स्पॉन्सर्ड PIL मत लगाइए मिस्टर काउंसिल, व्हाट्स योर गुड नेम? उनकी धार्मिक भावनाओं को सर दिक्कत होगी, क्योंकि फॉर इसमें हिंदुत्व के बारे में सबसे ज्यादा वहां पे बोला जाता है। पेन ड्राइव में वो सारी बातें हैं। ये पार्टी का प्रोग्राम है, बताइए ना, आपके सुर और आर्गुमेंट दोनों बदल रहे हैं। धीरेंद्र शास्त्री फॉर प्रमोटिंग द हिंदुइज्म। ये BJP का फंक्शन है, आप जो बहस कर रहे हैं वकील साहब, हवा में बहस मत करिए, बैठ। दिस PIL इज माय लॉर्ड अगेंस्ट द ऑर्डर एनेक्सर P2। माय लॉर्ड डिस्ट्रिक्ट बालाघाट इज अ डिक्लेयर्ड ट्राइबल एरियाज एज पर शेड्यूल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। माय लॉर्ड देयर इज सम रिस्ट्रिक्शंस माय लॉर्ड गिवन इन आर्टिकल 19(5) वेयर इन माय लॉर्ड इन द ट्राइबल एरिया फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द ट्राइबल्स माय लॉर्ड सम रिस्ट्रिक्शंस हैज बीन गिवन माय लॉर्ड फॉर दैट माय लॉर्ड अ पेसा एक्ट हैज बीन फ्रेम्ड बाय द रेजिडेंट माय लॉर्ड इन दैट माय लॉर्ड सेक्शन 4G माय लॉर्ड दीजिए, दिस एक्ट हैज बीन इनेक्टेड माय लॉर्ड इन 1996 माय लॉर्ड इन दैट सेक्शन 4 घ माय लॉर्ड सेक्शन 4 4 घ माय लॉर्ड 4D। प्रत्येक ग्राम सभा लोगों की परंपराओं और रूढ़ियों, उनकी संस्कृति पहचान, समुदाय के संसाधनों और विवाद निपटाने के रूढ़िजन्य ढंग का संरक्षण और परिरक्षण करने के लिए सक्षम होगी। ड प्रत्येक ग्राम सभा सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं का इसके पूर्व की ग्राम स्तर पर पंचायत द्वारा ऐसी योजनाओं, कार्यक्रम और परियोजनाओं को कार्यान्वयन के लिए हाथ में लिया जाए अनुमोदन करेगी। फिर चाहे माय लॉर्ड ग्राम स्तर पर प्रत्येक ग्राम पंचायत से अपेक्षा की जाएगी कि वे ग्राम सभा के खंड इंगा में निर्दिष्ट योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए उस पंचायत द्वारा निधियों के उपयोग का प्रमाणन अभी प्राप्त करेगी। एज पर दिस एक्ट माय लॉर्ड दी वॉट एवर दी माय लॉर्ड कल्चरल और रीजनल फंक्शन शुड बी ऑर्गेनाइज माय लॉर्ड दैट हैज टू बी फॉर टेकिंग परमिशन फ्रॉम दी ग्राम सभा माय लॉर्ड विदाउट टेकिंग दी परमिशन फ्रॉम दी ग्राम सभा माय लॉर्ड। पढ़िएगा ग्राम सभा की किस चीज के लिए परमिशन लेना, पढ़िएगा। यस माय लॉर्ड प्रॉब्ली बी मिस प्रत्येक पढ़ रहे हैं जी घर पढ़ रहे हैं पहले पहले घा पढ़ रहे ग्राम सभा लोगों की परंपराओं, यस माय लॉर्ड रूढ़ियों, यस माय लॉर्ड उनकी सांस्कृतिक पहचान, समुदाय के संसाधनों और विवाद निपटाने के रूढ़िजन्य ढंग का संरक्षण और परिरक्षण करने के लिए सक्षम होगी। यस माय लॉर्ड दिस इज द ड्यूटी कास्ट ऑन दी ग्राम पंचायत। यस माय लॉर्ड प्लीज कम टू च। यस माय लॉर्ड ग्राम स्तर पर प्रत्येक पंचायत से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह ग्राम सभा से खंड ड में निर्दिष्ट योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए उन पंचायत द्वारा निधियों के उपयोग का प्रमाणन अभी प्राप्त करे। यस माय लॉर्ड कहाँ है टुमारो इफ आई वॉन्ट टू गो देयर यस माय लॉर्ड एंड होल्ड अ रैली और सभा then where is the requirement of taking permission from the gram sabha my lord as per rudi my lord it is bilkul sahi bilkul sahi my lord this act enacted my lord on the basis of the bhuria report my lord this enacted my lord on the basis of the bhuria report my lord which report bhuria report my lord dilip singh bhuria my lord kahan hai wo dilip my lord he has written this book my lord pesa kanun बाय दी दिलीप सिंह भूरिया माय लॉर्ड। बात सुनिए वकील साहब, थोड़ा हम लोग सर वो 1300 पेज की है, वो मैं नहीं लाया। अरे वकील साहब उसकी जरूरत ही नहीं थी आपको। जो अधिनियम बनता है जी वह किसी रिपोर्ट के ऊपर हो सकता है, जैसे OBC का रिजर्वेशन लाया गया तो गोस्वामी कमेटी की रिपोर्ट। यस माय लॉर्ड बट वो अधिनियम नहीं बन जाता है, अधिनियम जो होता है वो रिपोर्ट के ऊपर होता है। यस अधिनियम का प्रावधान पढ़िए, अधिनियम के प्रावधान से बताइए कि किसी भी ग्राम सभा में कोई भी आयोजन करने के लिए अनुमति लेना आवश्यक है। विल इशू नोटिस दैट इज नॉट द कंप्लीट इशू। प्लीज कम टू प्रेयर क्लॉज टू पढ़िएगा।
to direct the respondent not to organize the functions to be held on 23 and 24 March 2023 for promoting the Hinduism at the tribal areas which affect the tribal mythology. Tribal mythology कैसे affect हो जाएगी? सर आप मेरा जो बिलीफ है जी, जो मेरा बिलीफ सिस्टम है जी, उसको आप आपके भाषण से कैसे परिवर्तित हो जाएगा? माय लॉर्ड, ये पेपर देख लें आप, ये एलेक्सा पेज 46, हाँ पेज 46, पेज 46 मतलब दिस इज द ट्राइबल एरिया माय लॉर्ड, और वहां पे पेज 46 देखें सर, पेज 46 सॉफ्ट हिंदू मानने जाने वाले जिले में आयोजन कितना होगा कारगर, इसमें जिले में परसवाड़ा के 23 पेपर में छपने से क्या हो जाता है? पेपर में नहीं, नहीं मैं ये नहीं बताना चाह रहा हूँ सर, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वहाँ के सारे जो जितने ट्राइबल्स है, बिकॉज वो ट्राइबल एरिया घोषित है सर, उस ट्राइबल एरिया के सारे लोग उसका विरोध कर रहे हैं कि दिस ये जो कार्यक्रम है उनके स्थापनाओं को, उनकी रीजनल व्यवस्थाओं को सबको चौपट करेगा, और ये देखें सर ये पूरा सारे विरोध चल रहा है, और वहां पर इवन देन विरोध हो रहा है तो ग्राम पंचायत को आना चाहिए था, ग्राम पंचायत भी तो ट्राइबल डोमिनेटेड ग्राम पंचायत, माय लॉर्ड दे माइट बी नोट वेरियस रिप्रेजेंटेशंस हैज बीन फाइल्ड बाय देम माय लॉर्ड बिफोर, ये दीस आर द रिप्रेजेंटेशंस माय लॉर्ड, शो अस द रिप्रेजेंटेशन, आपका पहला आर्गुमेंट तो नहीं बनता, ये 1996 के एक्ट में कहीं प्रतिबंध नहीं है, कहीं अनुमति लेने का प्रावधान नहीं है, आप चलिए सर 19.5 देख लें सर, आर्टिकल 19.5, हां आर्टिकल 19.5 यस, Nothing in sub clause D and E of the said clause shall affect the operation of any existing law in so far as it imposes or prevents the state from making any law imposing reasonable restrictions on the exercise of any of the rights conferred by the said sub clause either in the interest of general public or for the protection of the D or E padhiyega kya hai D freely throughout the territory of India, yes my lord, to reside and settle in any part of the territory of India, mala it's a law. It's a long interpretations regarding C, D and E, my lord. D is E is not restricted that, my lord, the one person is going to reside in some other territory. That is not the only interpretation, my lord. The interpretation is, my lord, freedom of speech and expression, kaise usko karte hai? That is all. 19.1 mein diya hua sir, uska restriction. 19.2. Isme restriction diya hai. Nothing in sub-clause A of clause 1 shall affect the operation of any existing law or prevent the state from making any law insofar as such law imposing reasonable restrictions on the exercise of the right. You have not understood the provision. Provision is that no offending material, if somebody yes. goes there and starts speaking about the religious practices my of Lord, that that population, my Lord, then it may come under 19.2. My Lord, Bageshwar. We are not concerned with the individual. My Lord, have you made him a party? Yes, my Lord. Haan. Yes, my Lord. Ye party. Kya likha hai aapne? Ye kya registered society hai? Kya hai ye? Bageshwar Dham kya hai ye? Aapne isko party banaya hai? मतलब इट्स ये एक संस्था चलती है बागेश्वर धाम, नंबर भी गलत डाले, सात नंबर, आठ सात नंबर डाल दिया आपने, क्या है इसका स्टेटस क्या है? कुछ तो रिसर्च करके आते हैं आप, पीआईएल करने आए हैं, स्पॉन्सर्ड पीआईएल मत लगाइए, नो इट इज नॉट स्पॉन्सर्ड, मतलब आई केम बिफोर दिस ऑनरेबल क्लॉज, प्लीज टेल अस व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द प्राइवेट रिस्पोंडेंट नंबर 7, मतलब बिकॉज दे आर वायोलेटिंग द रूल्स व्हिच वाज गिवन इन द आर्टिकल 19 व्हिच रूल एज पर पेसा एक्ट माय लॉर्ड, बताइए पेसा एक्ट इटसेल्फ माय लॉर्ड, प्रावधान का उल्लंघन हुआ हम तो सुनने को तैयार बैठे हैं आपको, माय लॉर्ड दिस आपने आर्टिकल माय लॉर्ड an article has been written by Dilip Singh Bhuria my lord on the basis of the committee Bhuria, we don't know Dilip Singh Bhuria, my lord committee constituted, आप आर्टिकल रिकॉर्ड पे लाए हैं क्या? नहीं, that is not on record, my lord. That is in my hand, my lord. Supposed to read? How we are supposed to read something which is not on record? My lord, India is a huge country. Population is 140 billion. My lord, how we are supposed to take notice of everything which is not on record? My lord, this is the my lord articles, my lord, which was. You might have read them. We are not having benefit of reading it. We don't have the benefit of understanding it. My lord, can we apply ourselves to that situation? My lord, my submission, my lord, whatever my lord interpretation which comes from the articles or the my lord the law which was provided in the law, everything could not be filed before articles the court. Articles की क्या legal sanctity होती है? चलिए आइए आपको इसी पे सुनते हैं, ये petition तो बंद करते हैं, इन articles की क्या legal sanctity होती है और कितना binding force है इतना बताइए, चलिए my lord, my submission, my lord, for looking to the Mr. Counsel, what's your good name?
प्रहलाद चौधरी मैडम। चौधरी साहब पहले इतना बता दीजिए कि इन आर्टिकल्स की क्या लीगल सैंक्टिटी है, आर दे व्यूज ऑफ द इंडिविजुअल्स और दे हैव सम लीगल सैंक्टिटी? मतलब ओनली द व्यूज ऑफ द इंडिविजुअल्स, देन हाउ दे हैव अ बाइंडिंग? दैट इज नॉट, इट इज नॉट बाइंडिंग, इट इज नॉट बाइंडिंग अपॉन द आर्टिकल, it is not binding my lord, but as a reference of law, my lord, as a reference it can be considered, my lord, as a reference. So as a reference wo record pe hona chahiye na, main sir isko file kar deta lekin nahi file karne ka mehrbani nahi kari aaj, to bata dijiye aap kya hai ye, ye gha aur cha ka violation nahi hota itna hum logo ne decide kar liya, ab aage aap bata dijiye aur kisi pravadhan ka violation ho raha hai to hum sun lete hain aapko. Sir ye order dekh le sir, P2 P2 yes. P2 is the order, my lord. Page number 20, my lord. This is the order, my lord, passed by the collector engaging the so many persons, my lord, officers in the program of my lord Bageshwar Dham. Spasht likha hai sir, Bhadukota, dinank 2 mai 2023, gram Bhadukota, Vikaskhand Parswara, jila Balaghat mein Pandit Shri Dhirendra Shastri Bageshwar Dham Sarkar dwara Srimad Bhagwat Katha ka ayojan kiya jana prastavit hai. आयोजित कार्यक्रम के दौरान व्यवस्थाओं के सुचारू रूप से व्यवस्था है, दे आर एक्सपेक्टिंग ह्यूज नंबर ऑफ पीपल, देयरफॉर दे आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर. यस 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 माय लॉर्ड, अब काइंडली सी माय लॉर्ड द ऑर्डर व्हिच वाज अगेन पास बाय. आप बोले तो इस ऑर्डर को क्वेश्चन कर देते हैं, बिगर लॉ एंड ऑर्डर के मत अगड़ मत जाइए. नहीं नहीं नहीं, वो भी देख लें सर, वो भी देख लें, वो भी देख लें, वो ऑर्डर पास किया है ये, दैट इज अ पेज नंबर 37, पेज नंबर 37 में भी सीन माय लॉर्ड, पेज नंबर 37, दिस इज आल्सो एन ऑर्डर माय लॉर्ड, पुलिस अधीक्षक बालाघाट से प्राप्त पत्र क्रमांक सुवेंसो दिनांक 10/5/2023 द्वारा प्रतिवेदित किया गया, जिला बालाघाट नगर घनी आबादी वाला शहर है, जिले में आदिवासी बाहुलता तथा जिले में कई हिस्से नक्सल प्रभावित होने के कारण जिला अति संवेदनशील बना रहता है तथा बालाघाट में घटित होने वाली घटनाओं का संपूर्ण प्रदेश की कानून व्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है, समय समय पर जिले में विशिष्ट व्यक्तियों का आवागमन भी बना रहता है, जिले वासियों द्वारा सभी धार्मिक त्योहार बड़ी संख्या में धूमधाम से मनाए जाते हैं, परंतु विगत वर्षों में ऐसे प्रकरण सामने आए हैं जब छोटे छोटे विवादों पर सांप्रदायिक एवं जातिगत मतभेद एवं प्रतिरोध की स्थितियां निर्मित हुई है, उदाहरण स्वरूप पिछले वर्ष एक धार्मिक त्योहार के दौरान दो पक्षों के बीच हुए विवाद के कारण शहर में बड़ी कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो गई थी जिसे नियंत्रित करने में काफी समय लगा था, उक्त घटनाक्रम में सोशल मीडिया का उपयोग भ्रम फैलाने और सामाजिक असामाजिक तत्वों द्वारा व्यापक स्तर पर किया गया था, मैं कहना ये चाह रहा हूँ सर, at page 38 your lordship may kindly see the order that has been issued under section 144. Huh. What they are saying is the persons have to be careful in respect to the messages that they send on the social media, it has nothing to do with the event. Yes. That is only for maintaining the law and order in that particular, to educate people only that to, they should not take cognizance of unwanted messages. Yes. My lord, there is two aspects, my lord. One is, my lord, they engage the so many persons for the functions of for organizing the function of the Bageshwar Dham, my lord. Apart from that, my lord, they are passing an order under section 144, my lord. Yes. In that, my lord, more than 5% cannot be allowed to in a same place, my lord. And apart from that, my lord, the crowd of people were going to be collected, my lord, at that place, my lord. Or this order has been affected, my lord, since page number 38 may be seen, my lord. यह आदेश दिनांक 10/5/2023 को मेरे हस्ताक्षर न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया, उक्त आदेश जारी दिनांक से आगामी 10/8/2023 तक, मालोट ये 10/5/2023 से 10/8/2023 तक प्रभावी रहेगा, और इसी बीच में सर ये क्राउड ऑफ पीपल्स को उनके परमिट उस फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने के लिए इतनी व्यवस्था कर रहे हैं, तो साइमल्टेनियसली मतलब एक तरफ वो कह रहे हैं 144 की धारा कि वहां 5 से ज्यादा इकट्ठे नहीं, और वहीं दूसरी तरफ वो इकट्ठे कर रहे हैं सर वो लाखों लोगों को, दैट इज द रीजन माय लॉर्ड, और वहां पे सर विरोध हो रहा बहुत ज्यादा, उस विरोध के लिए लोगों ने एप्लीकेशन दी, नॉट इवन सो माय लॉर्ड दे आल्सो इशूड द नोटिस टू द पर्संस, पेज नंबर 39 में भी सीन माय लॉर्ड, एनेक्सर P6 माय लॉर्ड, आपको उपरोक्त लेख में आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक स्वयंसो को ग्राम भादुकोटा ग्राम में होने वाली बनवासी रामकथा के आयोजन का विरोध किया जा रहा है, उस संबंध में थाना परसवाड़ा में आप सभी लोगों की मीटिंग सुबह 11 बजे जिसकी उपस्थिति होना अनिवार्य है, मैलॉर्ड, एंड दिस नोटिस हैज बीन इशूड टू द सेवरल पर्संस, मैलॉर्ड, पेपर कटिंग सर मैं इसीलिए बोल रहा हूँ इसको देख ले, बातें आएंगी आप समझ लीजिएगा, ये मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद इसका रजिस्ट्रेशन किस उसमें है, ये मैंने P1 पेश किया सर, P1 तो रेजोल्यूशन है, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पड़ा है, किस अधिनियम के अंतर्गत ये सर
पंजीयन का क्रमांक लिखा है सर 9681 of 980 जी लेफ्ट साइड में है सर जी पंजीयन का क्रमांक हाँ ठीक इसमें है, है। इसका इसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? हु इज ऑथराइज्ड बाय द परिषद टू स्यू परिषद का मतलब परिषद? अरे भाई आपका जब ये है, मैं कॉन्स्टिट्यूशन पेश कर देता हूं सर। नहीं, तो आप क्या पेश करेंगे? यस मैडम, आपको क्या कहना है बताइए। फैक्ट योर लॉर्डशिप दी एट द आउटसेट इट इज अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दे हैव टू दी ऑनरेबल कोर्ट्स हैव टू इंश्योर दैट द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस आर इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक एंड दे आर नॉट मोटिवेटेड और ओब्लीक पिटिशंस और पिटिशंस व्हिच हैव बीन फाइल्ड ओनली टू विद अ पॉलिटिकल मोटिव। लॉर्डशिप फॉर दैट आई एम रिलाइंग ऑन दी जजमेंट रेंडर्ड इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ उत्तरांचल वर्सेस बलवंत सिंह चौफल पैराग्राफ 181 सिटेशन दिस पैकेट बताइए। साइटेशन इज 2010 वॉल्यूम 3 SEC पेज 402 402 402 पैरा 10 पैरा 181 पैरा 181 पढ़िए प्लीज। We have carefully considered the facts of the present case. We have also examined the law declared by this court and other courts in a number of judgments. In order to preserve the purity and sanctity of the PIL, it has become imperative to issue the following directions. The court must encourage genuine and bona fide PIL and effectively discourage and curb the PIL filed for extraneous considerations. Instead of every individual judge devising his own procedure for dealing with a public interest litigation, it would be appropriate for each high court to properly formulate rules for encouraging genuine PIL and discouraging the PIL filed with oblique motives. The third is, Your Lordship, the courts should prima facie verify the credentials of the petitioner before entertaining a PIL. The court should be prima facie satisfied regarding the correctness of the contents of the petition before entertaining a PIL. The court should be fully satisfied that substantial public interest is involved before entertaining the petition. The court should ensure that the petition which involves larger public interest, gravity and urgency must be given priority over other petitions. The courts before entertaining the PIL should ensure that the PIL is aimed at redressal of genuine public harm or public injury. The court should also ensure that there is no personal gain, private motive or oblique motive behind filing the public interest litigation. The courts should also ensure that the petitions filed by busybodies for extraneous and ulterior motives must be discouraged by imposing exemplary costs or by adopting similar novel methods to curb frivolous petitions and the petitions filed for extraneous considerations. Now, there are two grounds that Your Lordship in the instant petition that he has raised. One is that the proper permission has not been obtained. Now, he has not pointed on from the records or from any law or any provision that the permissions have not been given by the what provision of law requires the Gram Sabha or any other body to grant permission for conducting of such events. Whatever the administrative permissions are required from the office of the collector, all these have already been granted by the concerned authorities or by the police authorities. Secondly, he is challenging the order dated 2/5/23. Your Lordship is aware that these are very massive gatherings at such events take place. These and to ensure the law and order situation. Now these orders are passed and the persons are the officers are posted there only to take care of the law and order situation. There is nothing. There is no interest involved or private interest involved of the administration. It is only to foresee that the entire event takes place without any untoward incident, and that is the only purpose of issuing such orders. In fact, this order has also been modified. So the purpose of the challenge to the petition that has also the challenge to this order that has also been rendered infructuous. क्या मालूम दिखा रही है? मालूम क्या दिखा रही है? इज रिलाइंग ऑन आर्टिकल्स एंड न्यूज़पेपर करंदत कटिंग्स व्हिच मालूम मे नॉट बी इन केस ऑफ एडमिसिबल इन करंदत मालूम जस्टिस लाहौटी मालूम स्पेसिफिकली स्टेटेड इन पैरा 35 पेज नंबर मालूम 1309 मालूम यस हिंदी मालूम 109 मालूम आर्टिकल्स 19 एंड इस रेस्ट्रिक्शंस वाज गिवन मालूम काइंडली कम टू मालूम डी D and E right to move freely and or to reside and settle throughout the territory of India. हाँ For that I'm restricted. मतलब page number 1309. 1309. Yes. Yes. D part मतलब D part मतलब the restrictions is मतलब the general public the protection of the interest of scheduled tribe. Yes. Now मतलब kindly come to page number
1318 माय लॉर्ड। लास्ट माय लॉर्ड इन द बॉटम पार्ट 1637 इन ऑर्डर दैट रूल ऑफ लॉ रिमेन्स टू फुलफिल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टैब्लिशिंग एन इलेक्ट्रेन सोशल ऑर्डर द रिस्पेक्टिव सोवरन फंक्शंस नीड प्री प्ले इन देयर जॉइंट सो दैट द मार्च ऑफ सोशल प्रोग्रेस एंड अदर रिमेन्स अनइम्पीडेड द स्मूथ बैलेंस बिल्ट विथ डेलिकेसी मस्ट ऑलवेज बी मेंटेन। नाउ मतलब कंप्लीट 66 पैरा 66 इन द केस ऑफ इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस श्री राज नारायण मालोट His lordship then was cited with approval the opinion of Harold Askey that the separation of power does not mean the equal balance of power and observe that what cannot be sustained in the exercise by the legislature of what is purely and undoubtedly a judicial function. In our cooperative federalism, there is no rigid distribution of power. What is provided in a system of salutary checks and balance. My lord, can you come to page 68, my lord? Yes. The position in the present case is of course a little different. We are dealing with the validity of validating enactment. In the judgment dated September so and so, the High Court bench presided over by the learned single judge, unfortunately unmindful of the correct width and expanses of the rights conferred by sub clause A and C of clause 1 of article 19 of the Constitution, did not correctly comprehended the scope of article 19 of the Constitution and overlooked the fine distinctions in the breach of right complained of by the citizens. My lord, kindly come to page number 46, my lord. Because my lord, my learned friend argued 46 in my petition, my lord. Because my learned friend argued that, my lord, कि ये किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का वो नहीं है. अब नाल इसमें लिखा हुआ सर, जिले में करसवाड़ा के 23 मार्च को आ रहे चर्चित पहले स्टार्टिंग है सर 46. युवा संत धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम इन दिनों जिले में खास चर्चा में है, परंतु अन्य जिलों की अपेक्षा बालाघाट में उनकी अलग तरह की चर्चा हो रही है. इसमें कोई दो मत नहीं है कि इसी वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पूरे प्रदेश में धीरेन्द्र शास्त्री को बुलाने की खासकर भाजपा में होड़ सी लगी है और ये सभी वाकिफ हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री को प्रवचन के लिए बुलाना कोई आम लोगों के बस की बात नहीं है. धीरेन्द्र शास्त्री के बोलों की कीमत करोड़ों में बताई जाती है. दरअसल भारतीय जनता पार्टी में इन दिनों अपने दो दमदार और असरदार बताने की होड़ लगी है. जो धीरेन्द्र शास्त्री को बुलाने में सफल होते हैं वो कहीं ना कहीं पार्टी के भीतर की ताकतवर होने का एहसास देने का प्रयास करते हैं. प्रदेश से हटकर बालाघाट जिले की संस्कृति तो मुद्दे की बात पर आइए. इस आर्टिकल में वो चार लाइनें पढ़ के बताइए जहां उन्होंने कहा है कि ट्राइबल्स के इंटरेस्ट एडवर्सली इफेक्ट होंगे. ये सब नेतागिरी का मत पढ़िए. वी आर नॉट इंटरेस्टेड, वी आर नॉट पॉलिटिकल पर्संस. इनका इनका सर इनका इनका बेसिक आर्गुमेंट रहा है कि इट इज नॉट दी आपकी पिटीशन ये है जी कि किसी व्यक्ति विशेष के आने से वहां पर ट्राइबल्स के राइट एडवर्सली इफेक्ट होंगे और ग्राम पंचायत की अनुमति के बगैर कोई भी व्यक्ति वहां नहीं आ सकता. दिस इज योर फाउंडेशन ऑफ योर केस. अब प्लीज शो अस माय लॉर्ड आर्टिकल. आवर व्यू इज दैट वी विल नॉट रिलाय ऑन एनी ऑफ मतलब मे आई परमिट टू रीड दिस माय लॉर्ड. व्हाट इज दैट माय लॉर्ड? दिस इज दी माय लॉर्ड are we supposed to understand law on the basis are we supposed to understand law on the basis of some commentary or we are supposed to understand law on the basis of the provisions contained in malak the motto you have already given malak the motto of this act malak that has been written by the person who is the chairperson of the committee malak. Only the motto what the purpose and objects are written by the legislature which decides to frame a law, which wants to bring a law, because it is the prerogative of the legislature to enact a law. My lord, so what are the aims? My lord, the judgment of Indira Gandhi, my lord, as well as the Pandit Jawaharlal Nehru, my lord, that Gandhi versus Pandit Jawaharlal Nehru. No, two judgment hai, sir. Huh. The judgment of Pandit Jawaharlal Nehru and the other judgment is the Indira Gandhi. बताइए पंडित जवाहरलाल नेहरू का. वो सर मुझको 10 मिनट का टाइम दे देते, मैं लाके दे देता. ऐसा थोड़ा ना वकील साहब, ये सब आपकी बहस आपका पक्षकार देख रहा है. आपका पक्षकार देख रहा है आपकी बहस.
सर टाइम टाइम बहुत शॉर्ट हो गया था सर, क्योंकि कल ही कल पिटीशन लगाई है और कल ही कल में सब कुछ करना था। क्या थी उसको कल ही कल जल्दी, इसीलिए सर क्योंकि 23 और 24 को फंक्शन है, 23 और 24 परसों सोमवार को 22 तारीख भी है, 22 को भी सुनवा सकते थे यार। सर एक दिन में पूरी मशीनरी पूरी गड़बड़ा जाएगी, क्योंकि वो पूरा फंक्शन जो है बाहर बाहर से लोग आते हैं, सारे क्राउड इकट्ठे हो जाएंगे, 144 धारा जो लगाई है उसका कोई यूज नहीं होगा। 144 धारा हटवाना चाहते हैं सर मेरा 144 हटाने का उद्देश्य नहीं है, मेरा उद्देश्य ये है कि सर कि जो वहां पे जो रिलीजियस लोग रहते हैं उनकी धार्मिक भावनाओं को सर दिक्कत होगी, क्योंकि ये सारी सारी बातें सर इसमें हिंदुत्व के बारे में सबसे ज्यादा वहां पे बोला जाता है, और जो सबसे ज्यादा आहत होगा ये वर्ग, और इस वर्ग के लिए आहत होगा। लिख लेते हैं ये भी आर्ग्यूमेंट, लिखिएगा श्री प्रहलाद चौधरी लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशन, श्रीमती जानवी पंडित लर्नेड एडिशनल मैंने सर एक सीडी इसमें पेन ड्राइव लगाई है, और इस पेन ड्राइव में वो सारी बातें हैं जो वहाँ पे घटित हो रही घटना, उस घटना से विरोध कितना हो रहा है इस फंक्शंस के लिए, वो मैंने एक वीडियो से दी, और मंत्री जी का इसमें भाषण 65B का लगा है, लगा लगा है, 65B का ये लगा है, पेज नंबर, पेज नंबर 47। क्या है ये, शुभम उइके जिन्होंने सर्टिफिकेट, जी जी पढ़िएगा जरा। मैं प्रमाण पत्र जारी करता शुभम उइके पिता श्री सुवेंसु निवासी प्रमाणित करता हूं कि मेरे द्वारा पब्लिक मंच Evidence. जिसमें रामकिशोर कावरे मंत्री जी द्वारा बनवासी रामकथा के प्रवचन बागेश्वर धाम द्वारा कराए जाने की अनुमति के संबंध में दी गई भाषण तथा आदिवासी द्वारा विरोध प्रदर्शन की रिकॉर्डिंग एवं पेपर कटिंग की फोटो अपने मोबाइल एक मोबाइल वन प्लस जिसका मोबाइल नंबर स्वयं में किया जाकर OTG लीड्स के जरिए पेन ड्राइव में लोड कर 4 प्रतियां निर्मित की गई है जो 32 GB की है, जिसका विवरण निम्नानुसार है। पेन ड्राइव के OTG फोल्डर के अंदर डॉक्यूमेंट है जिसमें 2 वीडियो और 18 फोटो चित्र हैं। उपरोक्त कथित विवरणी मेरे द्वारा दिनांक 16/5/2023 को अपने मोबाइल वन प्लस के लीड के जरिए बिना छेड़खानी के जैसी की तैसी पेन ड्राइव में अपलोड की गई है, जिसे रद्दोबदल जिसमें कोई रद्दोबदल रद्दोबदल किए गए रिकॉर्ड की है। कथित मोबाइल का मैं मालिक हूँ तथा मेरे वैध संरक्षण में सुरक्षित है, जिसे कुछ भी काटझाट नहीं की गई है और ना ही कुछ जोड़ा गया है, अतएव यह प्रमाण पत्र माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत पेन ड्राइव की सत्यता के संबंध में जारी किया गया है। वहां पे सर जो विरोध हो रहा है उस पूरा विरोध का दिया है, अब सर इतना इतना ज्यादा विरोध के बाद भी वो फंक्शन वहां पे होगा, तो एक तो सर क्लैश कर रहा है, 144 धारा भी उन्होंने लगा कि जहां पे 4-5 से लोग ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते वहीं पे पूरा क्राउड को इकट्ठा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ सर वो ऑर्डर कर रहे हैं पूरे उस फंक्शन को कराने के लिए। तो मेरा निवेदन सर ये है कि भाजपा के प्रोग्राम के लिए गवर्नमेंट मशीनरी नहीं लगेगी सर, उसमें गवर्नमेंट मशीनरी को लेने के लिए भी ग्राम सभा एलिगेशन कहाँ लगाया कि ये पार्टी का प्रोग्राम है, बताइए ना, पढ़िए तो। आपका आर्ग्यूमेंट जी जी बदल जी रहा है धीरे धीरे, जी जी आपके सुर और आर्ग्यूमेंट दोनों बदल रहे हैं। नहीं नहीं सर लिखा है, बताइए ये सर पेज 11 पेज 11 3.7 That the private responder Ramkishore Kavre MLA openly stated in the public that till the no such order has been passed by the governor collector to organize the function of Dhirendra Shastri for promoting the Hinduism, simultaneously behind back obtained the order of collector and misrepresenting the tribals of that area. The copy of video stored BJP कहाँ लिखा है आपने कि BJP का function है, बताइए तो। आप जो बहस कर रहे हैं वकील साहब, हवा में बहस मत करिए सर। पेपर कटिंग में जो लिखा हुआ है वो पेपर कटिंग का मैंने आपको बताया कि उसमें, अब ऑर्डर सुनिएगा जी, बैठ जाइए ऑर्डर सुनिएगा। प्रहलाद चौधरी आगे सुनना, लिखिएगा, दिस पिटीशन इज फाइल्ड इन द स्टाइल ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बाय वन मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद थ्रू इट्स प्रेसिडेंट दिनेश कुमार धुर्वे, फुल स्टॉप। Petitioner has enclosed copy of resolution signed by Dinesh Kumar Dhurve himself, authorizing himself to file this writ petition. Full stop. From the letterhead used to bring resolution on record as contained in Annexure P1, it is evident that there are 3 functionaries, one is the president, another is office president, and third one is district president. Full stop. This resolution is signed by 4 persons, next pair, including the president. Petitioner, next pair, petitioner's grievance is that
respondents be directed to not to organize the function to be held on 23rd and 24th May 2023 for promoting the Hinduism at the tribal area, which affects the tribal mythology. Full stop. It is also prayed that with a view to protect religious harmony of the tribals as protected under section 4 within bracket D of PESA Act, my lord. PESA. PESA Act 1996 bracket mein likhiyega panchayat upbandh within bracket anusuchit kshetron par vistar bracket close adhiniyam 1996 and article 19 within bracket 5 and schedule 5 of the constitution. Full stop. Prayer is also made to set aside the order dated 2523 annexure P2 passed by the collector deputing various district functionaries in connection with the said organization of program. Full stop. Petitioner has also alleging that there is misuse of the governmental machinery. It is also submitted that legal action be taken against the authority who passed the order against the constitutional mandate and any other relief be granted in favor of the petitioner. Next paragraph. Learned counsel for the petitioner submits that on the basis of some Dilip Singh Bhuria report, he is of the opinion that petitioner is of the opinion that there is going to be a serious law and order problem.